मैं इस टाइम हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम या हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार है। मस्जिदुल काब, मस्जिदुल काब इसके पास ही है, साथ ही है मस्जिदुल काब। देखें हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है। चलते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे, वो पास ही है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ही है मज़ार उनका। ये हज़रत अबू सईद खुदरी उनका मज़ार है, ये हज़रत काब का भी हुआ मज़ार से। तो अभी जो है चलते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी के मज़ार पे। बहुत पुरानी जगह ही है ये है जी। हज़रत हमदुल्ला अल अंसारी और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार हैं इसमें। लेकिन ये दरवाज़ा बंद है, लोग यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे। तो हम यहाँ से ही अस्सलामु अलैका या सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कुछ कबूर हैं, ये इल्म हो सकता है सहाबी रसूल हों। वो एक सामने है उसमें, तो हज़रत हमदुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी कब्र है। फातिहा पढ़ लेते हैं हम। हज़रत सईद खुदरी का भी इधर ही अंदर मज़ार है।